नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार हम बने हुए हैं एक बड़े कवरेज पर जो स्टूडेंट्स को लेकर है, जिन्हें बोर्ड एग्जाम देने हैं और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षाएं कब तक होंगी, किस तरह से होंगी। ये ऐसे सवाल हैं जो देश के कई छात्रों के मन में, अभिभावकों के मन में इस वक्त है। और इस बड़ी स्क्रीन पर आप ये तमाम चेहरे देख रहे हैं। जूम ऐप के जरिए हमने सभी स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया है कि वो अपने जो चिंताएं हैं, जो सवाल उनके जहन में है, इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स हैं वो जो सवाल पूछना चाहते हैं, आज तक के मंच के जरिए हम शिक्षाविदों के सामने रखें और शिक्षा मंत्री के सामने रखें। कोरोना महामारी की वजह से छात्रों की जिंदगी पर यह असर पड़ा। स्कूल कॉलेज पहले जाते थे, लेकिन क्लासरूम की पढ़ाई की जगह ऑनलाइन क्लासेस ने ले ली है। इस बदलाव ने छात्रों की जिंदगी पर क्या असर डाला है, इस पर तो बात होगी, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए बीते 9 महीनों में क्या हुआ। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्रों की परेशानियों की लिस्ट लंबी है, शिकायतों का अंबार है। ऑनलाइन पढ़ाई के जमाने में छात्र नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। स्टडी के लिए किसी के पास लैपटॉप फोन तो है, लेकिन उन्हें मानसिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कई छात्रों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। कोविड की जो जमाना रहा है, इससे शायद हमारे बच्चों पे सबसे ज्यादा असर रहा हुआ है। केवल बच्चों पर ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। अनसर्टेंटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इम्तहान कब होगा, कैसे होगा, और इस पर भी बच्चों पे, उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। कोरोना की शामत ने क्लासरूम की पढ़ाई को ऑनलाइन तक सीमित कर दिया। सुबह की शुरुआत लैपटॉप और मोबाइल देखते देखते होती है और जब तक क्लास चलती है ये सिलसिला जारी रहता है। हालांकि कई छात्र ऐसे भी हैं कि नेटवर्क की समस्याओं ने उनकी पढ़ाई को चौपट कर दिया है। प्रॉक्सिमिटी में आना चाहते हैं, ये जो इच्छा प्रबल हुई है, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब नॉर्मल होगा तो बच्चे और टीचर में इंटरैक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा सघन होगी। लोगों को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आमने सामने बैठकर बात करना और सोचना और डिस्कशन और डिबेट करने का महत्व भी इसी समय पता चला। शुरुआत में तो बहुत एक्साइटिंग लगा टेलीफोन के सामने बैठना, मोबाइल के सामने बैठना, लेकिन धीरे धीरे ये भी एक रिलैक्सेशन आया है लोगों। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, रोजमर्रा की जिंदगी बदली है, पढ़ाई का तरीका बदला है। तौर तरीकों में बदलाव ने कुछ चीजें आसान तो की है, लेकिन कई मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान 31 दिसंबर को हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े के मुताबिक करीब 50% छात्र ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाते। ऐसे में उनका कोर्स अधूरा है, तैयारी नहीं हो पाने से वो तनाव में है। बड़ी संख्या उन छात्रों की भी है जो ऑनलाइन जमाने में नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर डेटा का अभाव होने का सामना भी करते रहे हैं। कई अभिभावकों की शिकायत है कि ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ औपचारिकता रह गई है, छात्रों की तैयारियों की मॉनिटरिंग का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है, लिहाजा मांग उठ रही है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी बच्चों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें। इनसे उनका मनोबल भी ऊंचा होगा और वो परीक्षा भी अच्छे से दे पाएंगे। कोरोना की वजह से ये साल बेहद मुश्किलों भरा रहा है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्रालय और तमाम राज्य सरकारों की कोशिश है कि छात्रों की परेशानियों को दूर किया जाए। उम्मीद है कि नया साल छात्रों के लिए राहत भरी खबर लेकर आएगा। लखनऊ से आशुतोष मिश्रा, पटना से रोहित कुमार सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में कहर डाला है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनकी ज़िंदगी पर भी एक बड़ा असर पड़ा है। छात्रों ने तो इसकी एक बड़ी कीमत चुकाई है बीते 9 महीनों में, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से हों, इस पर स्टूडेंट्स के सवालों को हम एड्रेस कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, लेकिन सवालों पर जवाब देने के लिए, थोड़ा पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर भरने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जीएस राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व निदेशक हैं एनसीईआरटी के, और हमारे साथ वैभव पांडे जी भी आ गए हैं, आप करियर काउंसलर हैं। तो इन दोनों से हम शुरुआत करेंगे बातचीत की, लेकिन कुछ सवाल पहले बच्चों के ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। संगीता जी हैं हमारे साथ, आप अभिभावक हैं, बोलिए संगीता जी। मैम, मेरी क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनके फेयर ग्रुप
छूट गए हैं, तो वैसे में बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाया जाए? ऐसे में एज अ पेरेंट्स भी थक चुके हैं अब 9 मंथ में कि उन्हें कैसे कवर करें, उनकी सोच को कैसे चेंज करें। कई बार बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल मैम आपने ये पूछा, इसका जवाब हम वैभव जी से जरूर लेंगे। पंतकृत आप भी अपना सवाल रखिए। पंतकृत कौर। यस मैम। यस मैम। मैम मेरा बोलना ये है कि जो हमारे 10th के एग्जाम होने चाहिए वो मस्ट भी ऑफलाइन होने चाहिए, क्योंकि मैम एज ऑनलाइन में हम जानते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो मैं दी हूँ कि अभी जो मैंने प्री बोर्ड्स दिए हैं बिल्कुल नेटवर्क इशू रहता है, यहाँ पे एकदम कनेक्शन एकदम लूज रहता है, मेरी जो फाइल्स रहती है वो अपलोड ही नहीं होती है। सो क्या फिर टीचर को लगता है कि नहीं बच्ची झूठ बोल रही है, उसको आता नहीं है ऑफकोर्स, और ऐसा हो जाता है? नहीं तो कि नहीं चलो रहने दो, अपनी मर्जी से मार्क्स दे रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बच्चों ने पूछा है पंकज, जिस सवाल जिस कनेक्टिविटी का भी जिक्र कर रही हैं। पलक आप भी सवाल पूछिए अपना। पलक मैम मेरा सजेशन ये है कि एक तो अगर 12th के बोर्ड्स आप अभी कराना चाहते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 10th के बोर्ड्स को हम लोग थोड़ा अगर मिनिस्ट्री पोस्टपोन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर एटलीस्ट 12th के बोर्ड अगर एंट्रेंस की वजह से पहले होते हैं तो थोड़ा सिलेबस रिड्यूस करके कैसे भी पहले हो सकते हैं, लेकिन 10th को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है, मेरी यही 2-3 months है। ठीक है पलक आपका जवाब हम लेंगे। कविता है हमारे साथ, कविता सिंह पूछिए कविता सवाल अपना। यस मैम। मैम मैं ये पूछना, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं मतलब उनके मार्क्स नहीं आ पाते, और जो नहीं पढ़ते उनके इसमें मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चीटिंग करके सब मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं। प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो आ रही हैं इस पर लेंगे। उमेश प्रसाद जी पूछिए आपका सवाल। उमेश जी चलिए, उमेश जी आपकी आवाज ठीक तक ठीक से हम तक पहुंच नहीं रही है। मिस्टर खत्री, हितेश खत्री हमारे साथ हैं। हितेश पूछिए सवाल अपना। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जूम क्लासेस जो हुई थी इसमें मैम कई बच्चों ने तो अटेंड भी नहीं की मैम अच्छे से, और मैम जो अटेंड करते थे उनमें भी, मैंने अभी स्कूल खुले हरियाणा में तो क्लास में गए तो मैम वहाँ पे बच्चे बताते हैं कि, और मैं भी मैम कि मतलब पीछे पीछे क्लासेस बंद करके इंस्टाग्राम और ये बहुत ही सोशल मीडिया ऐप है मैम, तो उनके कारण डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हुआ है मैम, और मैम तो अब मतलब कि सब ये चाहते हैं कि मैम ऑफलाइन रिवीजन हो जाए मैम फिर से सभी सब्जेक्ट्स का, और 9th और 11th क्लास का मैम जरूरी होना चाहिए मैम, क्योंकि हितेश आपने रखी अपनी बात। अनिकेत कपूर आप पूछिए अपना सवाल। यस मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई हैं तो उससे हमारी अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है, तो अभी जैसे कि बोर्ड ने सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन को, तो अब सीबीएसई को स्कूल्स को परमिशन दे देनी चाहिए कि वो स्कूल्स को खोले और जिससे हमारी तैयारी स्कूल आकर हो सके। ठीक है, अनिकेत का ये ऑब्जर्वेशन था। चलिए अब अपने गेस्ट के पास चलते हैं ताकि वो इन समस्याओं को लेकर जो है जवाब भी दे सकें। हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं। लेकिन वैभव जी मैंने आपसे पूछा था जो बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं इनको लेकर एक कलेक्टिव जवाब अगर आप इन सभी क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। सवाल पूछा था कि मोटिवेशन कहां से आएगा, तो उनके मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन के लिए एक लाइन है मेरे पास जिसमें कहा गया है, माना अंधेरा बहुत घना है परंतु दिया जलाना कहां मना है। सो अगर पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, अगर पेरेंट्स बच्चों से बात करें, टीचर्स बात करें, और आज तक जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेके आया है हम जैसे काउंसलर्स एजुकेशनिस्ट लोगों से बात करें और उनको समझाएं कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सरकार और सिस्टम की मदद कर रही है। सैंपल पेपर्स हैं जिसमें 30% MCQs ऐड करे गए हैं, assertion और reasoning based questions ऐड करे गए हैं। अगर आप डट के ये सोचेंगे, अगर आप ये थॉट रखेंगे कि अगर मैं प्लान करूंगा तो फेल नहीं होऊंगा, हाँ फेल पक्का होऊंगा अगर प्लान नहीं करूंगा तो, अगर हम इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। एक बात और, ये हम सबको पता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इसीलिए इन सब चीजों के लिए इंतजाम करा गया है। आपको एक छोटा सा स्टैट देता हूँ, 2.4 लाख स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, उसके बाद नीट जेई सारे एग्जाम्स हुए और अब जाके सीबीएसई का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। तो ये बात याद रखिए कि सीबीएसई और सिस्टम ने इसको स्टेप बाय स्टेप सीखा है, अब हम ये सीख चुके हैं कि एग्जाम को बेस्ट तरीके से कैसे कराना है, सिक्योरिटी के साथ,
तो हम इसको बहुत सक्सेसफुल करवा पाएंगे और बच्चे इसमें अच्छा करेंगे। बस एक बात याद रखें, वो बच्चे जो कह रहे हैं कि रिविजन कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी, वन स्टेप वन टॉपिक एट अ टाइम, कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए पल होए। अगर समय अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर समय सही बैठा और तैयारी सही बैठी तो फल जरूर आएगा, फूल जरूर आएगा और आप लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि जूम क्लास में चीटिंग हो सकती है, एग्जाम में चीटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक आखिरी सवाल जो पेरेंट ने पूछा वो ये था कि कैसे हम ये मान लें कि एग्जाम पूरे फेयर होते हैं हर बार। देखिए, एग्जाम्स फेयर ही होते हैं और कभी भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई त्रुटि मिले, अगर आपको कोई गलती मिले तो आप रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इस बार भी होंगी, अलग अलग सिस्टम्स लाए गए हैं, 12 स्टूडेंट ही एक क्लास में हो, 6 फिट की दूरी हो। और हम ये बात याद रखें, ये वो बच्चे हैं जो बहुत जल्दी वोटर बनने वाले हैं आज से 2 से 3 सालों में, तो आप इस बात पे पूरा यकीन रखिए कि बहुत समझदार बच्चे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स को समझते हैं, ये ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे, सक्सेसफुली देकर आएंगे जैसे नीट जेई के बच्चों ने करके दिखाया था, और हम इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिविटी को साइड करिए, पेपर तो अब होने ही वाला है, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट। वैभव पांडे जी ने, मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मोटिवेशन का एक टॉनिक जरूर दे दिया है, तो आई एम श्योर कि जो ये कठिनाई भरा वक्त है इसमें पॉजिटिविटी के साथ बच्चे आगे बढ़े सकारात्मक ऊर्जा के साथ। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, एक जो कॉमन प्रॉब्लम हम बच्चों से बात कर रहे हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि जिंदगी जो बदली है स्कूल लाइफ माइनस होने की वजह से, जो एक आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है वो बहुत कम हो गई है, आप एक जगह पर एक कंप्यूटर एक लैपटॉप या मोबाइल तक सीमित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाना हो नहीं रहा, और ऐसे में जो आप पढ़ रहे हैं वो आप कितना सीख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, ये चिंताएं उनके मन में है। बिल्कुल, देखिए लाजमी सी बात है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में से बच्चे भी गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे CBSE सिस्टम को और एजुकेशन प्रणाली को, जिसमें टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्कूल्स एकजुट होकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उन्होंने कोशिश की कि ऑनलाइन कोर्स बच्चों का चलता रहे और उनका साल बर्बाद ना हो। पर साथ साथ ये कहूंगा कि देखिए ये अपने हाथ में है हर बच्चे के कि वो अपने समय को किस तरह से बिताता है। राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जब मुश्किल का दौर आता है तो उस समय हमारी कोपिंग एबिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। तो किस तरह से आप कोप करते हैं, एक तो बच्चों का मैंने खास तौर पे देखा है कि सोने का समय इनको निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि हो ये गया है, क्योंकि पहले तो सुबह बच्चे जाया करते थे स्कूल सुबह उठ के जल्दी जल्दी, अब ये है कि थोड़ा सोने का उठने का समय बच्चों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो एग्जाम से पहले बहुत आवश्यक है कि अपनी नींद प्रॉपर जरूर लेंगे और उसको अभी से ही सेट कर लें उस पैटर्न को, क्योंकि रात को 7-8 घंटे सोना अच्छा है हर बच्चे के लिए, तो अगले दिन आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी बेटर कर पाते हैं। कई बार बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, रात रात भर इंटरनेट पे और गेमिंग पे, वो जरूरी है। हेल्दी डाइट लें और अपना टाइम टेबल अगर आप ठीक से तैयार करते हैं पढ़ाई का, दिनचर्या का, तो फिर ढंग से आप उस चीज को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें आप 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद 15-20 मिनट की ब्रेक जो एक नुकसान लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन देखने की वजह से आंखों को होता है, उससे कुछ बचने के लिए कुछ कोई फायदेमंद टिप आप दे सकते हैं बच्चों को? देखिए, जो आंख के डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं रूल ऑफ 20 कहते हैं कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आपको थोड़े डिस्टेंस पे देखना है, उससे आपकी आंखों पे जोर कम पड़ता है। बाकी एंटी ग्लेयर भी लोग लगवा लेते हैं आजकल, ग्लासेस, जिनके ग्लासेस हैं बच्चों के, नहीं तो आजकल स्क्रीन्स आ जाती हैं इस तरह की जो आप ऊपर लगा सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे या किसी चीज पे, जिससे कि आप पे ग्लेयर ना पड़े आंखों पे। दूसरा ये कि पोस्चर का खास ध्यान रखें पढ़ते समय, जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पोस्चर इस तरह से हो कि आपकी गर्दन ज्यादा आगे की तरफ झुकी ना रहे, तो वो जरूरी है। तो आपकी जो कंप्यूटर है वो उस हिसाब से, हालांकि देखिए अब 9 महीनों का वक्त तो बीत चुका है ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए, लेकिन अभी आगे कितने वक्त तक यही सिस्टम जारी रहेगा इस पर कुछ पुख्ता जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर बच्चे इन टिप्स को फॉलो करें तो थोड़ा सा बेहतर ये मौजूदा सिस्टम हो सकता है। शाहीन हमारे साथ मौजूद है, आप 10th की स्टूडेंट है। जी शाहीन बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो कुछ ज़्यादा ही कभी कभी जो क्योंकि इंटरेक्शन कम होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाती है और एट टाइम्स नींद भी आने लगती है क्लास के बीच में, तो हाउ टू कोप अप विद दैट, क्योंकि फिर अटेंशन नहीं दे पाते तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। चलो एक चाय का कप तो शाइन आप अपने साथ रख सकते हो, बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक ले सकते हो ताकि थोड़ा सा वहाँ पर आप एक्टिव होकर बैठ सको। ये एक सुझाव तो मैं भी दे सकती हूँ आपको, स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा हमने भी जिया है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर लगातार बता रहे हैं उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। शशांक आ गए हैं हमारे साथ,
शशांक पूछिए अपना सवाल। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना डेट जब भी लॉन्च करें लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में लेके लॉन्च करें कि जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई लेट में चालू हुई है या तो उनके पास कोई माध्यम ना हो पढ़ने के लिए वो उससे पढ़े हैं तो उनके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अमन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन बोलिए। अमन मेहता पूछिए अपना सवाल। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है लेकिन ये जो कॉमन ठीक है मैं बोलिए बोलिए चाहता हूँ कि मतलब बच्चे इतने दिन बाद मिलेंगे साथ में तो वो क्या डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। ये तो एक बड़ी चिंता है जो पेरेंट्स के जहन में भी है और सभी लोग जिनके फैमिली में बच्चे हैं जिनको एग्जाम देने हैं बोर्ड के उन सभी के मन में ये चिंता जरूर है। आइए सीधे इसको हम राजपूत सर के पास ही ले चलते हैं सवाल को। सर पिछली बार भी आपका जवाब कंप्लीट नहीं हो पाया था तो मैं चाहूंगी जो आप कुछ पॉइंट्स हमें बता रहे थे वो जरूर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मैं एक बहुत संवेदनशील प्रश्न जो उठाया गया उसकी तरफ आप सभी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। एक माँ ने यह कहा कि उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने फीस नहीं दी, अब वो क्या करे। हम सबको इसका उत्तर देना चाहिए। हर एक स्कूल किसी न किसी संस्था से बोर्ड से एफिलेटेड होता है, वहां से स्वीकृत होता है, उसके अधिकारी होते हैं, अनेक स्तरों पर अधिकारी होते हैं। उन सबका भी कर्तव्य था कि जैसे डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है, मेडिकल साइंस प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने जी जान से मेहनत की है, वैसे ही शिक्षा विभाग को चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों हर स्तर पर अध्यापक से लेकर मंत्री तक इन सब संवेदनाओं को देखना चाहिए था। एक भी बच्चे को अगर देश में शिक्षा स्कूल से निकाला जाता है इसलिए कि कोरोना में उसके माता पिता की आमदनी कम हो गई है या खत्म हो गई है तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। बिल्कुल, इसलिए मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ और उनके साथ मैं भी ऐसे बहुत से केसे जानता हूँ जहाँ ऐसा हुआ है और मैं एक व्यक्ति के रूप में जो कर सकता हूँ संस्थाओं के संपर्क करके बात करके वो कर रहा हूँ, आप भी करिए। क्योंकि अगर इस देश में इतनी संवेदनशीलता हो जाए, मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो जाए तो शर्म तो हम सबके लिए आनी चाहिए। इसलिए इसको भूलिए नहीं, स्कूल के प्राचार्य का ये कर्तव्य है। अगर वो शिक्षा में आए हुए हैं तो निश्चित रूप से इस कर्तव्य का पालन करें, अपने आचरण से करें, विभाग के अधिकारी भी ध्यान दें और मैं समझता हूं राज्यों के शिक्षा मंत्री तक से मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है इस समय तो ये मैं समझता हूं देश के लिए शर्म की बात होगी। ये मेरा पहला प्रश्न। एक पालक जी ने कहा है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, नियंत्रण कमजोर हो गया है, तो पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि नियंत्रण शब्द को भूल जाइए। नियंत्रण नहीं होता है, बच्चों के साथ सहयोग होता है, उनको समझने का प्रयास किया जाता है और जब हमें लगता है कि नियंत्रण कमजोर हो गया है तो कहीं न कहीं हमारी समझने में और परस्पर की जो समझ है उसे हम कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। परिस्थितियां कठिन हैं, आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, स्कूलों के लिए भी हैं, अतः समाधान तो सबसे मिलकर ही निकलेगा और ऐसा समाधान संभव नहीं है जिसमें सब संतुष्ट हो जाए। लेकिन हमें इस वक्त सब एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए जी। आज जितने भी सुझाव यहाँ पर आए हैं मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे शिक्षा मंत्रालय में एनसीईआरटी में सीबीएसई में इन पर विचार अवश्य होगा और संवेदनशीलता के साथ होगा क्योंकि मैं उनसे कभी न कभी जुड़ा रहा हूँ किसी न किसी रूप में और मैं आपको बता सकता हूँ कि जितनी एक दूसरे से राय लेने की स्थिति इस समय बनी है तकनीकी की वजह से बनी है लेकिन दृष्टिकोण की वजह से बनी है। आपको अचंभा होगा दुनिया में कहीं भी शिक्षा नीति में करीब 4.5-5 वर्ष बनाने में नहीं लगते, हमारे देश में लगे जी। लेकिन जो शिक्षा नीति बनी वो लगभग सर्वस्वीकार हो गई, वही परीक्षा के लिए भी होगा,
वही परीक्षा के करने के ढंग के लिए भी होगा। समय की कमी है, लेकिन जितने बातें आज आपने रखी हैं, वैभव जी ने रखी हैं, मुझे लगता है कि देश भर में बच्चों ने उसे जरूर सुना होगा, और कम से कम जो चिंताएं बच्चों के मन में थी, उनके जहन में थी, हमारे मंच के जरिए सरकार तक भी वो पहुंचे, ये हमारी एक कोशिश थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ, और सारे स्टूडेंट्स को हम जरूर यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप लोग जुड़े, और क्योंकि आपके जो सवाल थे लगभग उन सभी सवालों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं देने वाले देश भर के बाकी बच्चों का भी प्रतिनिधित्व किया। उम्मीद यही कि अब आगे जो भी फैसला हो उसमें इन तमाम बातों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आज तक पर आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।